नमस्कार, मेरे पास ब्राइटकॉम के 465 शेयर है 11.80 रुपए के। ओके, और दूसरा शेयर है ठीक है। कब लिया था आपने ये? मैंने लिया था अभी 10-15 दिन पहले लिया था। और एक और है आईटीडी। दूसरा कौन सा शेयर आपके पास? आईटीसी, आईटीडी सीमेंटेशन। ओके, इनकी जो खरीद है वो 5-6 दिन पहले इन्होंने लिया था, उसके बाद हल्का मुनाफा इनको हो रहा है इस स्टॉक में। 465 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं कंपनी के। ज्यादा कुछ तो इस स्टॉक में एक्शन दिखता नहीं है आज, हालांकि 3-4% ऊपर है। बट क्या सलाह देंगे आप, जो भी तेजी इस वक्त दिखाई दे रही है निकल जाए मुनाफा लेकर, या फिर और तेजी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में? पता है ये ब्राइटकॉम की स्टोरी बहुत ही लंबे समय से इवॉल्व हो रही है। इनफैक्ट 130 वाला काउंटर नीचे जाके 8 या 9 रुपए तक की बॉटम भी बना चुका है, और ये जब लोअर सर्किट में था तब किसी को एग्जिट करने का मौका नहीं मिला था। अब जब ये अपर सर्किट में आ चुका है तो किसी को लेने का भी मौका ज्यादा मिला नहीं है। इस तरह की कंपनियों में अगर हम ट्रेडिंग भी करते हैं तो आई वुड नॉट रियली यू नो सजेस्ट कि इसमें होल्ड करना चाहिए। अगर प्रॉफिट मिल रहा है एग्जिट कर दीजिए, इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारा रिस्क मैनेज करना, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं हो पाएगा। आई वुड रियली इंसिस्ट अगर इस काउंटर से निकल सकते हैं तो निकल जाइए, प्रॉफिट मुनाफा मिल रहा है निकल जाइए। बहुत ही अच्छे से काउंटर्स मार्केट में अवेलेबल है जहाँ पे हम अच्छे से रिस्क मैनेज भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सो इस काउंटर से एग्जिट करने की सलाह होगी।